साबित हुआ है। आप अमेरिका के लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, अमेरिका के लोगों को ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से स्वागत होने की बात है मेडिसिन ग्राउंड के अंदर, मेडिसिन स्क्वायर में जिस तरीके की बात हो रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ के लोग तो सिर्फ इंतजार देख रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर गुजराती और भारतीय मूल के लोग हैं जिनकी गुजरात के अंदर इंडस्ट्री है और किस प्रकार से उनको सारी सुविधाएं दी गई हैं। देखिए, चीन की बात हम जब कर रहे हैं और हमने देखा कि चीन के मॉडल में क्यों इतना सफल हुआ है। चीन का मॉडल सिर्फ इसलिए सफल हुआ है क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह पर सारी तरीके की सुविधाएं एक ही जगह पर एक व्यक्ति को दी जाती है। 18 साल का बच्चा हुआ, उसके बाद उसका इंटरेस्ट पूछा, अगर उसको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो वहाँ की सरकार उसको सारी सुविधाएं देती है। और हमारे यहाँ पर अभी तक का जो सिस्टम है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आज हमारा बच्चा ये ठान ले कि उसको व्यापार करना है तो उसको तमाम तरीके की समस्याएं, उसको जगह के लिए समस्या, उसको लाइसेंस के लिए समस्या, उसको बेचने के लिए समस्या, उसको हर तरीके की यहाँ पर समस्या है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के अंदर आई है और जिस प्रकार से व्यापारवाद की बात, क्योंकि व्यापार होगा तो देश संपन्न होगा, देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, रोजगार आएगा। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मोदी जी पर विश्वास की ज़रूरत है, जो भारतीयों ने ही नहीं किया, विदेश के लोग भी उन पर कर रहे हैं। जिस प्रकार से भूटान में उन्होंने अपना जो है राशि दी और वहाँ के लोगों को अपने साथ लिया, फिर वो जापान गए, वहाँ पर उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की, फिर चीन का भी जो प्रधान जो वहाँ के राष्ट्रपति आए वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। और मुझे लगता है कि अमेरिका की ये यात्रा भी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 महीने का समय अभी बहुत कम है कि हम यहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की सारी चीज़ों को हम एकदम से ठीक कर पाएँ। लेकिन अगर हमें वहाँ से एकदम से सहमति मिलती है तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठान रखा है और इस रेड टेपिज्म की जगह जो टर्म यूज हो रही है कि अब व्यापारियों के लिए रेड कारपेट से उनका स्वागत होगा। जी बिल्कुल, और इस प्रकार से लोगों का मानना भी है, इस प्रकार की हर जगह सहमति भी मिल रही है। आप देखिए, आज जो हमारा छोटा यंग एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो ये चाहता है, उसे विदेश जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है, अभी हमने कहा बहुत है, अभी हमें थोड़ा सा समय और चाहिए, हम करके दिखा। 65% अर्चना जी, कहा जाता है 65% जो यहाँ के युवा हैं वो 35 साल से कम के हैं और उन्हीं पे सारा दारोमदार है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरह का वोट बैंक भी पहले उन्होंने क्रिएट किया था। तो प्रधानमंत्री की 2 मुलाकात है, एक बार 11 CEO हैं उनके साथ अलग मुलाकात है, जो उसमें गूगल्स के हैं, पेप्सिको के हैं, ये सब। उसके बाद जो मेजर CEO हैं 6 उनके साथ एक अलग मुलाकात है। तो आपको क्या लगता है कि 17 CEOs को जो ये भरोसा दिलाएंगे तो क्या उस तरह का माहौल हिंदुस्तान में तैयार है, या वो सीओ क्या डिमांड कर सकते हैं जो विदेशी व्यापारी यहाँ आएंगे उनको क्या चाहिए? भाई, एक तो टैक्स रेजीम स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वोडाफोन के साथ जो हुआ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आपने लगा दिया, उससे बहुत लोगों का भरोसा हिल गया। एक्चुअली क्या है कि कई देशों में जो फॉरेन निवेश होता है वो सोचते हैं कि ये देश गुरिल्ला टैक्टिक्स अपना रहा है, दुश्मन को आप अंदर घुसने दो और फिर उसको घेर के खत्म कर दो। तो कई इंडस्ट्रीज और एनरॉन वगैरह के साथ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही कई देशों में होता है। तो बोले ये अप्रोच अगर उनको लगे कि ये हमारे साथ हैं, ये चाहेंगे कि हम बनते, ये चाहेंगे कि हम और कुछ इस तरह के लॉज नहीं निकालेंगे जिससे कि वो हमारा सारा प्रॉफिट ले लें या हमें कैद कर लें किसी तरह से, तो उससे इन्वेस्टमेंट की एक मूव तो बढ़ेगी। पर एक साथ तो कोई करने वाला नहीं है, वो कुछ देखेंगे, किसी की इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई जा रहा है। सबसे बेहतर तरीका किसी को कन्विंस करने का है कि आप उसके सामने 2-4 सक्सेस स्टोरीज रखें। तो ये एक दिन में नहीं होगा, कुछ लोग आएंगे, वो अपना इन्वेस्ट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे, उनकी फास्ट 2 साल लगने के बजाय 6 महीने में प्रोजेक्ट अगर चालू हो गई और वो अच्छे से कमाने लगे, तब सडनली आप देखेंगे कि एक भीड़ उपस्थित हो जाएगी निवेश के लिए। एक चाइना का जो स्पेशल था, भाई पूरे देश को बदलना तो बहुत मुश्किल है, एक साथ बहुत बड़ा देश है हमारा, तो वो जो स्पेशल जोन्स, स्पेशल सिटीज और चाइना में आपकी स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो टेक्निक यूज़ करने की सोच भी रहे हैं। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज और ये सब अनाउंस की है, पर वो अप्रोच से मुझे लगता है वो फिर कंट्रोलेबल होगा। उन जगहों पे आपको लेबर एक्सेस हो जाएगी, रॉ मटेरियल एक्सेस हो जाएगी और आपको दुनिया भर के झंझटों से डील नहीं करना पड़ेगा कि भाई एक साथ ठीक
करें। देवेंद्र तो जी उन्होंने आज अपने भाषा स्पीच में एक एग्जांपल दिया बिजनेसमैन को, उन्होंने कहा कि मंगलयान हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है जो अर्चना जी बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई 450 करोड़ में हमने इस मिशन के लिए सारा कुछ किया और इसके जो पार्ट पुर्जे बनाए थे वो यहाँ के बने हुए हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। जैसे टाटा ने नैनो को लॉन्च करते वक्त ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्या लगता है कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो माल होगा वो इतना ही सस्ता भी होगा और क्वालिटी वाइज भी बेहतर होगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर विल है और ईमानदारी से सिस्टम को ओवरहॉलिंग करने के लिए तैयारी होगी तो हिंदुस्तान चाइना से ज़्यादा बेटर मार्केट है और सस्ता मार्केट है। जैसे कि अर्चना जी अभी बता रही थी कि जो लेबर कॉस्ट है वो चाइना से आधी है लगभग हमारे यहाँ पर। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग बाग यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये है कि रेड टेपिज्म के सिस्टम आपका काम करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपके यहाँ सस्ता है, सब कुछ है, लेकिन जब सिस्टम आपको काम नहीं करने दे रहा है, हर जगह पे आपको रोका जाता है, टोका जाता है, आपको ब्लेम किया जाएगा, तो वो आदमी बहुत दिनों तक आपके पास टिकेगा नहीं। तो ये जो सिस्टम की ओवरऑलिंग है, जो करप्शन वाला पार्ट है इसमें, ये बहुत बड़ा है और इसको अगर नहीं ठीक किया गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतने सारे एफर्ट्स जो हैं, तमाम सरकार आई हैं, NDA, UPA, सब लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली वही साल दो साल में कोई न कोई CEO जो फॉरेन कंपनी का है वो ये ब्लेम करता हुआ नज़र आता है कि यहाँ पर तो जो है काम करना मुश्किल है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होंगे तो कितने दिन तक टिका रहेगा वो? तो ये सवाल हैं। ये दो चीज़ों पर मोदी सरकार जब तक काम नहीं करेगी तब तक आप कितने ही नारे दे दें, कितने ही कैंपेन चला लें, कुछ होना नहीं है। जी, उन्होंने ये भी कहा बात जो उन बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या कि लोग बोलते हैं कि भारत बहुत अच्छा मार्केट है, तो मुझे हंसी आती है कि मार्केट है केवल लेकिन बायर है कि नहीं है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर आपके यहाँ मंदी है, गरीबी है, आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कहाँ से आएगी? आप सिर्फ मॉल बनाते जा रहे हैं लेकिन मॉल वाले से जाके पूछिए क्या आपका सामान बिक रहा है? तो उन्होंने कहा कि परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट, लोगों को रोजगार देंगे तो उसके पॉकेट में पैसे आएंगे फिर हम कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ के बिजनेसमैन को कहा कि आप यहाँ लोगों को रोजगार दीजिए और ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। और ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया अपना जो बैंक अकाउंट वाला कि लोग इस पे हंस रहे थे, मैंने 4 करोड़ अकाउंट खुलवाया, 1500 करोड़ उसमें जमा हो गए हैं, लोगों ने जमा कर दिया है तो आप लोग ही यूज़ करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा चीज़ जो है, गरीबी जब तक आप दूर नहीं करेंगे, आप महंगाई को टेकल नहीं करेंगे, आपके पास जो तमाम जो अभी तात्कालिक समस्याएं हैं इनको अगर टेकल नहीं करेंगे, जो आम आदमी की ज़िंदगी को छूती है, उसके बाद ये सब बातें तब तक खोखली रहेगी जब तक ये आप नहीं कर पाते। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये एक विशेष सर्कल है और क्योंकि महंगाई अभी तक कम नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल हाँ। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि एक विशेष सर्कल है, लेकिन इस विशेष सर्कल पे को तोड़ने के लिए, सर्कल को तोड़ने के लिए हमें कहीं से स्टार्ट करना होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले ज़रूरी है किसी को रोज़गार मिले। रोज़गार कैसे मिले जब हमारी लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है? इसलिए जिस दिन से मोदी जी आए हैं उन्होंने कौशल की बात अपने हर एक भाषण में कही है और HRD मिनिस्टर को तत्कालीन आदेश हैं कि वो इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं और ऐसे क्षेत्रों में जहां पे अभी कौशल शब्द का मतलब भी नहीं पता वहां पर ये योजनाएं लेके जाने वाले हैं। जिस दिन हमारे पास कौशल आया, हमारे यूथ पे ये विद्या आई, उसको स्किल डेवलपमेंट हुआ और हमें रोज़गार मिला, उस दिन हम सबसे बड़ी मार्केट बन जाएंगे। इसमें कोई संदेश नहीं, इसमें कोई दूर की बात नहीं है, दो राय नहीं है, दूर की बात नहीं है। और मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा सा विश्वास, और जहाँ तक मैंने ये कहा कि विश्वास भी कैसे होता है, विश्वास ऐसे होता है आपने पास्ट में क्या एग्जांपल सेट किया है। तो मोदी जी ने गुजरात में पास्ट में एक एग्जाम्पल सेट किया है और जहाँ तक अमेरिकन गवर्नमेंट का संबंध है, वो भी भारत से क्या चाहती है, कोई भी इन्वेस्टर अपना करने से पहले क्या चाहेगा कि उसे एक अच्छा क्लाइमेट मिले, उसे एक अच्छा तंत्र मिले, उसे पीस मिले जिस देश में वो जाए। तो जिस प्रकार से वो भी मुझे लगता है कि बहुत समय से ये देख रहे थे कि वहाँ पर सत्ता कैसे आने वाली है, और जिस प्रकार की सत्ता यहाँ पर आई है, जिस बड़ी मेजॉरिटी से मोदी जी आए हैं, तो उससे एक विश्वास वहाँ की सरकार में भी कायम हुआ है कि जो सरकार है ये चलने वाली है और ये डिसीजन लेने वाली है।
क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में देखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन भी लेना चाहती थी व्यापार को लेकर या अन्य बातों को लेकर, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा एक बिंदु है जिसको लगता है, मुझे लगता है कि जिसको लेकर ओबामा सरकार बहुत उत्साहित है। अगर इस प्रकार का उनको एक विश्वास यहाँ पर जीवित हुआ है मोदी जी के रूप के अंदर, और जिस प्रकार से मोदी जी के अंदर एक लगन है, मेजॉरिटी अपने पास है, और वो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो गरीबों की बात करते हैं, वो जनधन योजना, मैं तो इस बात से लेके मैं भी एक आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक सामाजिक संस्था चलाती हूँ, और मैं सरप्राइज रह गई कि इस योजना के बाद उस पर्टिकुलर गाँव का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड है वो नहीं बचा, जिसको बैंक के अंदर जिसका अकाउंट नहीं खुल गया है। तो इस प्रकार की इनोवेटिव योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं, और अमेरिका की जनता वो भी इन्वेस्ट करना चाहती है। अमेरिका के अंदर भी आप ये मान के चलें, हर को मार्केट चाहिए, हर को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे उसको चीप लेबर मिले, जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल हमारे पास है, हमारे पास चीप लेबर है, हम तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में और रेड टेपिज्म में फंसे हुए हैं। और अगर सरकार की विश और विल हो गई और सरकार ने एक तरीके से ये बिल्कुल ठान लिया कि यहाँ पर ऐसे भ्रष्ट अफसरों को, यहाँ पे जो बीच के टाउट्स दलालों को जिस दिन रोक दिया गया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व की हर देश के अंदर मेड इन इंडिया नारा नहीं रहेगा, बल्कि हर सामान इंडिया का होगा। मैं थोड़ा सा चाहूँगा यहाँ रुकना, क्योंकि एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ, क्योंकि हमारी बातचीत आगे भी अपने मेहमानों से जारी है।